I am Manisha Verma, your science teacher. Now, you all are welcome in my online class. The chapter is the motion and measurement of distances. I want to tell you about the circular motion. In the previous video, I told you about the circular motion. Now, I want to tell you today about the periodic motion. You can see in the pictures, these are the example of the periodic motion. Now, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. इसलिए जब हम देखते हैं कि पेंडुलम एक निश्चित समय की गति के बाद एक निश्चित इंटरवल के पश्चात बार बार अपने मोशन को रिपीट करता है तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. जैसे मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. इसी प्रकार से सन मूव अराउंड द सन एंड अर्थ मूव अराउंड द सन एंड मून मूव्स अराउंड द अर्थ. तो दीज आर द periodic motion. And string of a guitar, needles of a clock and playing tabla, string of a sitar and guitar, ringing of bell, etc. All these are the periodic motion. लेकिन इस प्रकार से हम देखते हैं कि these are the examples of periodic motion where an object or a part of it repeats its motion at a fixed interval of time. क्या आपने कभी ये देखा है, स्विंग मशीन एज ए पार्ट ऑफ एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन वेल एनी पार्ट ऑफ इट व्हेन मूव्स विद ए सर्कुलर मोशन. आपने देखा होगा इसका जो व्हील है ये सर्कुलर मोशन करता है लेकिन इसकी जो निडिल है वो मूव्स अप एंड डाउन बार बार कंटिन्यूसली मूव करती है तो इसमें पीरियोडिक मोशन होता है. इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें दो तरह का मोशन है. तो आपने देखा होगा कि जब बॉल ग्राउंड में मूव करती है तो वो गोल गोल घूमती हुई आगे बढ़ती है, यानी कि ये अपने एक्सिस पर घूमती हुई रेक्टिलिनियर मोशन करती है. देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ मोर देन वन मोशन. जैसे बुलेट फ्रॉम ए गन, बुलेट घूमती हुई अपनी एक्सिस पर रोटेटरी मोशन करती हुई रेक्टिलिनियर पाथ पर आगे बढ़ती है. देयर आर मैनी मोर. इसी प्रकार से साइकिल जब आप चलाते हैं तो उसका जो पहिया है अपने रोटेटरी मोशन करता हुआ रेक्टिलिनियर मोशन करता हुआ सड़क पर चलता है. तो आपने देखा होगा देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स विच हैज़ मोर देन वन मोशन. इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन करते हैं. तो मोशन है क्या? मोशन इज़ ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. अगर मोशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति को बदल ले. जैसे 9 बजे हमारा पीरियड शुरू हुआ, 9:30 पर ख़त्म हुआ, हम रूम नंबर 1 में हैं 9 बजे और 9:30 बजे रूम नंबर 2 में हैं. तो हमारी स्थिति बदल गई, हमारा समय बदल गया, यानी कि हम मोशन में आ गए हैं. तो हमें ये बताता है कि ये कि किस प्रकार से फास्ट है कि स्लो है. मूवमेंट ऑफ स्नेल ऑन द ग्राउंड, बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ए रिवर फ्लोइंग, एरोप्लेन फ्लाइंग, देयर आर मैनी मोर मोशन विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस. अर्थ एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडी शोज दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड. एवरीथिंग इज इन मोशन इन आवर यूनिवर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. सबसे अंत में मैं यही एक आपसे स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि भाषा हमारे ज्ञान में बाधक नहीं बन सकती है. इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. हमें भाषा हमारे ज्ञान को नहीं रोक सकती. दैट्स ऑल एंड टेक केयर. और आपको जो ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगी.